वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शालू जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दिनेश जी, सेम टू यू एंड ऑल माय लविंग फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू शालू जी। शालू जी, इस बार हमारे स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर हमारा थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। थैंक यू शालू जी। ये बताइए कि पहली बार स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कब हुआ? जहां तक मैं जानती हूँ, पहली बार मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सन 1857 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह या सन 57 की क्रांति कहा गया। अच्छा शालू जी, ये बताइए कि भारत का ध्वज किसने फहराया? भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने डिजाइन किया, जिसमें लाल पीला और हरा रंग था। ओके, तो ये वर्तमान ध्वज किसने दिया शालू जी? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण मूल रूप से 1921 में आंध्र प्रदेश के एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था, पर सन 1931 में लाल रंग की जगह केसरिया, पीले की जगह सफेद और हरे रंग के साथ केंद्र में महात्मा गांधी जी का चरखा रखा गया। पर शालू जी, हमारे वर्तमान ध्वज में तो चरखा नहीं है। जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सुझाव पर युद्ध से शांतिवाद की भावना हेतु धर्म के पहिए अशोक चक्र को चरखे की जगह रखा गया, जो हिंदू जैन और बौद्ध धर्म का एक धार्मिक रूप है। शालू जी, हमारे ध्वज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि कितनी बार बदलाव हुआ है इस ध्वज में? तिरंगे में अब तक 6 बार बदलाव किया गया, पर वो भी आजादी के पहले तक। ओके, तो शालू जी, तिरंगे को आधिकारिक तौर पे कब स्वीकार किया गया? भारतीय तिरंगे को कुल 6 बदलावों के बाद आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। अच्छा शालू जी, ये भी बताइए कि पहली बार ध्वज हमारे भारत में कब फहराया गया? सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन ध्वज को पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क पर फहराया गया था। Okay. अच्छा, क्या आपको पता है, पहले भारतीय नागरिकों को चुनिंदा अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी? उद्योगपति नवीन जिंदल की एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 23 जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाबत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। ओके शालू जी, दैट्स ग्रेट। वाकई हम लोगों को ये बात नहीं पता रही होगी। अच्छा शालू जी, भारत में सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर फहराया गया है? पंद्रह जनवरी 2022 को सेना दिवस पर राजस्थान के जैसलमेर में खादी से बने सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया। ये झंडा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है।
1400 kg, that's great. अच्छा शामिल जी, सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर है? भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज बेलगावी के फोर्ट लेक के परिसर में फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 110 मीटर अर्थात 361 फीट है। ये ध्वज स्तंभ पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर लगे ध्वज स्तंभ से 1 फीट ऊंचा है। थैंक यू शालू जी, आपने जो हमको जानकारियां दी वाकई बहुत काम की है। अच्छा शालू जी, चलते चलते आप अपने चाहने वाले दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर? जी, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा तिरंगा एक मात्र झंडा ही नहीं अपितु एक भावना है, जिसके विभिन्न रंगों की विविधतामयी गरिमा का सम्मान हर जनगणमन का परम कर्तव्य है। गर्व से बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच सालू जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत।